चस्का मस्का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कड़ा प्रसाद, बिल्कुल वही टेस्ट, वही फ्लेवर, बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज जो हम कड़ा प्रसाद बनाएंगे, मैंने वो इस कटोरी से सारा मेजरमेंट लिया है हर चीज का। तो आप कोई भी अपने घर में कटोरी ले लें, उसी से आप सारा मेजरमेंट करके कड़ा प्रसाद बनाएं। एक पैन में हम 2 कटोरी पानी लेंगे। ये मेरी वही सेम कटोरी है और इसमें अब हम 1 कटोरी चीनी डाल देंगे और इसको एक बॉयल आने देंगे। ये शीरा बनाएंगे, मतलब पानी उबालेंगे चीनी मिक्स करके इसमें। अब मैंने इसमें जो चीनी डाली है, अब ये शीरा बनाएंगे, इसको हम अपने हलवे में ऐड करेंगे। ये चाशनी नहीं बनानी हमें कोई 1 तार की 2 तार की, बस इसे बॉयल करना है अच्छे से, एक बॉयल आने देना है। इस कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी देसी घी लिया है, वही सेम कटोरी है ये, और इसमें अब हम 1 कटोरी आटा मिक्स करेंगे और इसे चलाते रहेंगे हम कंटिन्यूअसली सिम टू मीडियम फ्लेम में। इसे डार्क ब्राउन करेंगे हम। और ये जो आटा है, ये मैंने थोड़ा मोटा आटा लिया, जो चक्की वाला आटा होता है, लेकिन अगर आपके पास पैकेट वाला आटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी बना सकते हो, बट इससे थोड़ा दानेदार हलवा आता है। अब ये एक बॉयल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया है थोड़ा सा, इसे हमें थोड़ा हल्का डार्क ब्राउन करना है, लेकिन डार्क ब्राउन इतना ही करना है कि ऐसा ना हो कि वो जल जाए, तो इसलिए आपको इससे कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है और इसका कलर चेंज करना है। इसमें हमने कोई इलायची पाउडर या कोई हम ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये काढ़ा प्रसाद बना रहे हैं और गुरुद्वारे का काढ़ा प्रसाद तो आपको पता है कि कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं होता है उसमें, तो इसलिए हम विदाउट इलायची पाउडर और विदाउट ड्राई फ्रूट इसे बिल्कुल गुरुद्वारा स्टाइल काढ़ा प्रसाद बना रहे हैं। ये देखिए थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया है ये, और इसे हम बस 1 या 1.5 मिनट और चलाएंगे, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन होती है ये डार्क ब्राउन होने में और जलने में, तो इसलिए अब हम इसको बस 1 से 1.5 मिनट ही और चलाएंगे और इसमें फिर हम अपना पानी और चीनी मिक्स कर देंगे। अब ये हमने जो पानी और चीनी का शीरा बनाया था, अब इसमें हम मिक्स करेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये पतला सा हो गया, नहीं, ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और ये बबल्स आते रहेंगे इसमें, तो ध्यान से आप इसे चलाइए। अब इसको सिम टू मीडियम फ्लेम में हम 6 to 7 मिनट्स ऐसे ही गाढ़ा करेंगे, जब तक अंटिल अनलेस ये घी ना छोड़ दे और गाढ़ा सा ना हो जाए। अब मुझे 3 to 4 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए हल्का हल्का इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है। अभी हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए बन गया ना बिल्कुल कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे जैसा। अब आप इसे बनाएं और खाएं।